नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वर्ल्ड कप 2019 का। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल कल खेला गया था, लेकिन बारिश की वजह से वो रिजर्व डे पर खिसक गया है। और उसमें आज रिजर्व डे पर भी हो गई बारिश, तो क्या हो गए भारत और न्यूजीलैंड मैच के समीकरण, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के समीकरण। तो दोस्तों, आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अब बात करते हैं मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर मंगलवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल बारिश की वजह से रोक दिया गया। लगातार बारिश की वजह से अब यह मैच रिजर्व डे यानी कि आज बुधवार को दोबारा शुरू होने वाला है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बना लिए थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, उसके बाद रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही और मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद आईसीसी के नियम तहत मैच को रिजर्व डे पर कराने का फैसला किया गया। 10 जुलाई यानी बुधवार को न्यूजीलैंड की टीम 46.1 ओवर से अपनी पारी दोबारा से शुरू होगी। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। दरअसल अब चिंता की बात यह है कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक रिजर्व डे के दिन यानी बुधवार को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले में भी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर बुधवार को भी बारिश होती है तो क्या होगा। तो जी हां, मैनचेस्टर में बुधवार को भी 65% बारिश के आसार है। मैच नहीं हो सका तो पॉइंट के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर आज भी बारिश खलल डालती है और न्यूजीलैंड आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाता है तो डकवर्थ लुईस पद्धति से भारत को 46 ओवर में 237 रन बनाने होंगे। यदि केवल 40 ओवर में जो भारत को रन बनाने पड़े तो वो रन होंगे 209 और 35 ओवर में उनको बनाने होंगे 192 रन और 30 ओवर में 165 रन बनाने होंगे और 20 ओवर में 148 रन बनाने का लक्ष्य होगा। बुधवार को भी मैच पूरा नहीं होने की दशा में भारत लीग चरण में अधिक अंक हासिल करने के कारण फाइनल में पहुंच जाएगा। बता दें कि न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर ने 67 और टॉम लैथम उन्होंने 3 रन क्रीज पर बनाए हैं और वो अभी भी नॉट आउट है और भुवनेश्वर अपनी गेंदबाजी को जारी रखेंगे। टीम इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर के कोटे का 1.5 ओवर और बुमराह के 2 ओवर बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज इंडिया पूरी मैच खेल पाएगा या उनको डकवर्थ लुईस की मदद से उनको जीत मिलेगी? तो दोस्तों, आपको जो भी लगता हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।